आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने एक बयान में कहा कि दुनिया का हर 10वां इंसान हो सकता है कोरोना पॉजिटिव। WHO एक्सपर्ट के इस बयान से बढ़ी चिंता। विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के बाद गोरखपुर के मजनू पावर हाउस के अंतर्गत ग्राम सभाओं में चरमराई विद्युत व्यवस्था। मजनू विद्युत स्टेशन का ताला तोड़कर विद्युत व्यवस्था चालू करने का किया प्रयास। बस्ती जिले का हरैया ब्लॉक बना राजनैतिक जंग का अखाड़ा। प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और स्थानीय विधायक ने BDO पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। संत कबीर नगर में एक दूल्हे के अरमानों पर फिरा पानी। ससुराल वालों ने 24 घंटे तक रस्सी से बांधकर बनाए रखा बंधक। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में प्रदेश सरकार के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। प्रसपा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों में जमकर हुई झड़प। बिजनौर के हल्दौर रेलवे रोड स्थित एक नहर पर एक महिला की लाश मिलने से मचा हड़कंप। महिला की शिनाख्त के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। गोरखपुर गोला बाजार के गोला तहसील सभागार में मंगलवार को SDM गोला राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। शाहजहांपुर में हुई ऑनर किलिंग की घटना। गर्भवती हुई अविवाहित पुत्री को पिता पुत्र ने उतारा मौत के घाट। गोरखपुर के उरुवा थाना अंतर्गत मर्चा पुल के पास पानी में तैरती मिली 20 वर्षीय युवक की लाश, नहीं हो सकी पहचान। गोरखपुर के गोला बाजार में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा एक मेडिकल स्टोर से दवाओं का लिया नमूना। एक प्रतिष्ठित कंपनी के कीड़े मारने वाली दवा पिलाने से भाई बहन की मौत का था आरोप।